हेलो गाइस, आज हम आवेश या चार्ज के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे यात्रियों को, क्योंकि वर्तमान युग में बिजली या इलेक्ट्रॉनिक युग में इसमें चार्ज के बारे में सुना जरूरी है। जैसे मोबाइल चार्ज करना है, बैटरी चार्ज करना है, तो चार्ज क्या है बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। चार्ज किसी चालकीय वस्तु में या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पत्ति होती है। जैसे घर्षण करने पर विभिन्न चुंबकीय पदार्थों को घटने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन पदार्थ का शुरुआती सूक्ष्म कण है, भिन्न अवस्था में है। तो अगर दो विभिन्न प्रकृति वस्तुओं को घटते हैं, घर्षण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में जाती है तो भिन्न आवेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धन आवेशित होती है। तो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है, इसी को कहा जाता है आवेश या चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। द फ्लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज का जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर ए बी है, यहाँ पर तार लपेटा हुआ तार के वस्तु पर लाई धारा होने के लिए, और इसको संपर्क परिपथ बना करके हम बैटरी से जोड़ दिया, मीटर धारा मापी जल से जोड़ दिया, वोल्ट मीटर विभवांतर बनाए रखने के लिए है। तो इसमें प्लस के तरफ से यहाँ पर धारा का बहाव हुआ, और यहाँ से आ करके फिर ये आ करके यहाँ मीटर से वोल्ट मीटर चला गया, यानी धन से ऋण अब इस धारा का प्रभाव हुआ। तो इसी धन आवेश और ऋण आवेश के मिलने की क्रिया को या स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं आवेश। तब उस चालक में आवेश की उत्पत्ति होती है। कोई वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धन आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। इसी प्लस और माइनस के बीच की क्रिया को स्थानांतरण को हम आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है।